तो ये गाड़ी है जिसकी इस टाइम दुनिया दीवानी हो रही है, जिसका नाम है ऑडी A3। तो फाइनली अपनी गाड़ी जाने के लिए रेडी है। मेरी क्या सभी की गाड़ी निकल चुकी है, अब मेरे में बाउंसर बैठेंगे। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आपको कहाँ घुमाते हैं, आज हापुड़ घुमाते हैं। तो आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है ना, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 2 बजे, ठीक है ना। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो है हापुड़, और मुझे ये नहीं पता कि दिन का है या नाइट का, मगर 2 बजे निकल रहे हैं और गाड़ियां खड़ी है, जो कि मैं तुम्हें मिलाऊंगा उन सबसे। और हाँ, आज ना मैंने सुबह वाला व्लॉग जो पोस्ट किया था, सुबह वाला यार व्लॉग मैंने पोस्ट किया, वाईफाई नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपलोडिंग पे जो वाईफाई से कनेक्शन कर रखा है सब चीज का, भाई मेरा सारा डाटा उड़ गया। तो अब फिलहाल चलते हैं, और आज का सीन मैं सोच रहा था आज लोग नहीं बनाऊं, मगर मैं बना रहा हूं, क्योंकि आज पता नहीं हमारे साथ क्या ऐसा हो जाए जो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया हो, तो अनएक्सपेक्टेड हो जाए कुछ चीज ऐसी। तो फिलहाल चलते हैं, और सलमान भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं जो कि पेट्रोल पंप पर खड़े हैं। तो सबसे पहले इसमें डलवा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल है इसमें काफी कम है, और हमें जाना है हापुड़, और एवरेज भी कम ही देती है ये। तो मेरे अंकल जो सामने बैठे हैं ना, वो सबसे फेवरेट अंकल हैं ये वाले। तो फिलहाल डलवाते हैं पेट्रोल। तो मस्त अपना पेट्रोल डल गया है, मगर मैंने ना एक चीज की नोटिस अभी करी है, जो मेरी मैट पे होती है ना, मैट पे एक ब्लैक कलर के ऊपर कवर रहती है, वो भाई ट्रैकलिन, जहाँ मैंने गाड़ी ट्रैकलिन कराई थी ना, वहाँ वाले भाई ने उसने निकाल लिया और उसने गाड़ी में डालनी है। और अब मैं जा रहा हूँ बुकिंग में, तो आके लूंगा। मैंने ना गाड़ी बाहर धुलवाई थी, पापा को लेके गया था ना, तो ज्यादा डस्ट हो गया था गाड़ी के अंदर, इस वजह से मैंने जो था मैंने बाहर धुलवाई थी गाड़ी, मैंने खुद नहीं धोई थी, तो थोड़ी बहुत ही गंदी रहती है तो मैं खुद धोता हूँ, बाकी मैंने बाहर धुलवाई थी। और ये कट एक ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मैंने अपनी आंखों से देख रखे हैं, तो ये मोड़ पता नहीं कब ठीक होगा। तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं अपने भाई के पास, जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं सलमान भाई। कहाँ हो? ठीक, तो 2 गाड़ियों का इंतजार हो रहा है, तो वो 2 गाड़ियां आते हैं। हम जो है अपने भाई मैट की जो ऊपर की रह गई थी ट्रैकिंग वाले के पास, वो ले लेते हैं। और यार उसकी वजह से ना पैर रपट रहे हैं, ब्रेक नहीं लगे, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ब्रेक नहीं लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खिलाया फुल फुल को लेके राजकुमार, बाहर चक्कर में ब्रेक ना लगे फिर क्या होगा, जल्दी लगा दो, बुकिंग में जा रही गाड़ी। हाँ बता, मेरा भाई कैसा है, अपने काम में लग रहा हूँ, गाड़ियाँ खड़ी है इंतजार में, और फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा तो फिर बेकाबू हो जाऊंगा मैं, तुम्हें बताइए कैसा गुस्सा है मेरा। भाई आ जा यार, आ जा। तो ये भाई आए जिनों के काम ऐसे रहते हैं, ये मेरे काम नहीं है भाई साहब। और किसके हैं? हाँ। अभी से डाल दो इसको। लौंडा भगा दिया मैंने अपना। क्यों भगाया? लौंडिया भगाते, मैट भूल गया वो। लौंडा क्यों भगाया? लौंडिया भगाते। अब आज अब तक है नहीं, अब जा रही है बुकिंग में, जब से तो खड़ी थी। दोबारा बता रहा मेरा भी जाया। हाँ चलो जी, आगे से ध्यान रखियो। तो फिलहाल मैट तो डलवा लिए, और गाड़ियां यहाँ पर इंतजार में खड़ी है सब, पता नहीं अब कौन सी गाड़ी रह रही है। तो शायद एक्सेल दिखे, हाँ एक्सेल है ये वाली, और आगे वाली जो है अपनी ऑडी कन्वर्टेबल है, जो कि भाई सलमान भाई लेके जा रहे। चले जी नसीम भाई, कहाँ गए? 2 गाड़ियां वहाँ खड़ी हैं, जो कि अपनी उनमें फ्यूल डल रहा है, उसके बाद चलेंगी 4-5 गाड़ियां, और पता नहीं कौन कौन सी, अभी तो मुझे पता नहीं है। खैर ये नसीम भाई की और सलमान भाई की तो है, इन्हें तो जानता हूँ मैं। और आज मैंने ना कलर कराया, जो कि अभी नया तुम देख रहे होंगे, तो कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में बता देना। बाकी जो मैंने कलर कराना चाहता था ना, ये ज्यादा ब्लू, वो ब्लू नहीं, ज्यादा ब्राउन हो गया है, मैंने ना हल्का ब्राउन चाहा था, मगर ज्यादा ब्राउन हो गया, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा, मगर कोई नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमें जाना है। अभी मुझे पता नहीं है, सब डिटेल लूंगा जो कि बड़े वाले भाई हैं सलमान भाई से, उनसे डिटेल्स लेंगे, उसके बाद चल चेला कौन चेला ला है ना, मतलब बताओ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हम? जा रहे दिल्ली। डिटेल्स तो दे दो, बताओ, मुझे ना पता कहाँ जाएगी गाड़ी। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ, ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਤੰਗੇ ਨੇ। तो फिलहाल कहाँ से जा रहे हैं, मुझे ना हापुड़ का पता था, मगर हम कहाँ से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नंगलोई से, जो कि पैड बक्सर यानी कि मेरी मम्मी के गांव के पास ही पड़ता है नंगलोई। तो यहाँ पे सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि एक मंडप है, इसमें ही खड़ी कर दी हमने सभी गाड़ी, और यहाँ से जाएगी 6 बजे, और हमें बुला लिया गया है 4 बजे, 1 बजे से ऐसी तैसी मार रखी थी। और मेरी गाड़ी में थार में जाएंगे बाउंसर, तो देखते हैं कैसे कैसे बाउंसर आते हैं, आपको मिलाता हूँ उनसे। तो यहाँ पर जितनी भी गाड़ी खड़ी हैं, जैगवार, स्विफ्ट डिजायर, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, और अपनी ओडी A3 कन्वर्टेबल, और ये अपनी खड़ी है लाडो, जो कि प्यार से धूम में खड़ी है, और गाड़ियां हैं जो कि अभी आ रही हैं। अभी फिलहाल हम यहां पर लेटे हैं, रेस्ट कर रहे हैं सभी। तो बैठने के लिए अपने पास चरपाई है, जो कि मस्त है, गांव का सा हिसाब है, यानी गांव तो है ही लंगड़ोई,
और यहाँ से जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, मुझे ये भी नहीं पता अभी। तो फिलहाल देखते हैं कहाँ जाएंगे, अभी पूछूंगा, अभी मैंने डिटेल्स अच्छे से नहीं लिए तो इसलिए मैं आपको भी डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, और बाउंसर के साथ आज रील शूट करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो यार आपको पता ही आपका भाई कितना निचबिला रहता है, तो मैं बाहर गया शॉप पर, वहाँ पर मुझे गिफ्ट दिखे जो कि तुम देख ही रहोगे। तो भाई तुम्हारे भाई ने पूरी दुकान खंगोल ली और आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ गिफ्ट देख सकते हो, अगर आपको कोई पसंद आया तो आप बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा अभी मैं घूम रहा हूँ गिफ्ट की दुकान में, गिफ्ट लेने के लिए सोच रहा था, मगर जो उनसे गिफ्ट लेने थे वो वाले गिफ्ट नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ से गाड़ी जाएंगी 6 बजे। तो यहाँ पे ऐसे टूर चल रहा अपना, घूम रहे हैं इधर उधर, क्योंकि नई नई जगह आया हूँ तो नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ घूमने के लिए। तो अभी ना गाड़ी का सामान आया जो कि सजा जाएगा, ये भी सारी गाड़ियाँ सजेंगी, और आज अपनी थार भी सजेगी। तो थार देखते हैं सजवा के कैसे लगती है और कौन से मंडप में जा रही है, बहुत बड़ा मंडप है वो, तो मैं जो आगे बताऊंगा अभी। तो एक गाड़ी हमारी जो मेरठ में रह गई थी, अब आई है वो शौक है, एक गाड़ी और थी रेड वाली, उसकी ना एसी नहीं चल रही थी, इसलिए ये वाली गाड़ी बुलाई और इसे फिर वॉश करवाई, तब ये गाड़ी आई है जो कि ये लेके आए हैं भैया। हैं जी, तो तुम्हारी गाड़ी भी सजेगी अभी, धीरे धीरे सभी की गाड़ी सज रही है, और आज थार देखेंगे कैसी लग रही है, और ये ना दिल्ली जाएगी लाल कुएं के पास। तो आगे शायद ये बाउंसर हैं जो कि मेरी थार में जाएंगे, 4 जने और 2 जैगवार में जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल मैंने वीडियो दिखाई थी तुम्हें, भाई साहब जो शादी में हो रहा है ना, मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था, और अभी ना मैं खाने आया हूँ बाहर, भूख लग रही है, छोले समोसा है, छोले नहीं है। तो शादी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी जगह जा रही है, तो वो मैं तुम्हें मिलाऊंगा आगे। तो फाइनली अपनी गाड़ी जाने के लिए रेडी है मेरी, क्या सभी की गाड़ी निकल चुकी है, अब मेरे में बाउंसर बैठेंगे। के नहीं तो सबसे आगे ना मेरी गाड़ी चल रही है, और सारी पीछे चल रही है जिसमें मेरे, यानी कि इसमें बाउंसर है ना। तो मैं है ना आपका दूल्हे को दिखा देता हूँ, यानी कि दूल्हे से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। दूल्हे भाईजान पीछे खड़े हैं, तो देखो सामने हैं दूल्हे भाई साहब, वहाँ पर दिखाई दे रहे हो, तो काफ़ी दूर खड़े हैं मगर फिर भी तुम देख सकते हो दूल्हे भाई। और गाड़ी रह गई है रेड वाली, सारी पीछे रह गई है, और कुछ गाड़ियाँ आगे खड़ी हैं, और अपनी लाडो यहाँ खड़ी है। और ये भाई सिर्फ इनकी बॉडी तो भाई बेस्ट है, बाकी 2 बाउंसर और हैं जिनकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, मगर भाई इनकी बॉडी बेस्ट है। तो अभी यहाँ पर टोल फ्री होने के लिए रुके हैं सब, ए टू जेड आकर टोल फ्री करवाना है। रात हो चुकी है, पता नहीं घर पे किस टाइम पहुँचना होगा, यानी कि 1-2 बज ही जाएंगे जैसा ढंग लग रहा है, और सुबह के 4 ना बज जाए। मुझे ना ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं किया था मैंने, क्या आज ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। अच्छा हुआ वो तो खाना खा के चला था मैं घर से, अभी तक कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ये होता है ड्राइविंग लाइफ में। और बैठे सलमान भाई, ये बाउंसर भाई बैठे हैं बेचारे थक गए। दोले भाई उतर के क्या कर रहे हैं, यानी कि टहल रहे हैं, वीडियो वगैरह बनवा रहे हैं ना, और देख रहे हो गाड़ियाँ कितनी हैं, यहाँ से लेके इधर और इधर से लेके उधर तक, सारे में गाड़ी हमारी हैं, यानी कि जो जा रही हैं आज शादी में। और ये दिल्ली एक्सप्रेस वाला हाईवे है, काफ़ी अच्छा रोड बन रहे हैं, अब तो हाईवे बन रहे हैं। और तुम्हारा भाई यहाँ थार पे खड़ा हुआ मस्ती कर रहा है। कैमरा वाला पहुँच गया नहीं पहुँचे अभी? तो ये गाड़ी है जिसकी इस टाइम दुनिया दीवानी हो रही है, जिसका नाम है ODA3। वो तो खैर बंद होगी, तो मैं भी बंद होते हुए भी दिखाऊंगा कैसे बंद होती है और खुलती है, वो तो मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पर,
तो इस गाड़ी की तो डिमांड है ना भाई, बस मत पूछो कितनी डिमांड है। अगर आपको बुक करनी हो तो इन भैया को याद कर लो या हमें याद कर लो, इधर लगाओ, सब गाड़ी इधर ही लगनी है मेरी ना, तो खड़ी बोली थार। तो पहले तो मैं ना खाना खा लेता हूँ, उसके बाद तो मैं अच्छे से इसका टूर कराऊंगा सारे का, जितना भी है ए टू जेड। पहला खाना खा लें।